सर बस डिपार्ट गाइस, जैसा कि लास्ट ब्लॉग में आप लोगों ने देखा था, तपस्विनी एक्सप्रेस से मैं पुरी आता हूं और यहां पे दो दिन स्टे करने के बाद मैं वापस आज पुरी से विदा लेने का टाइम आ गया है। तो आप लोग जल्दी से कमेंट सेक्शन में जय जगन्नाथ जरूर लिखना और साथ ही आप ट्रेन लवर हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सो गाइज, आज की जो ट्रेन जर्नी होने वाली है 12875 पुरी टू आनंद विहार नीलांचल एक्सप्रेस में होने वाली है। सामने की तरफ अपना नेशनल फ्लैग काफ़ी शानदार देखने में लग रहा है, तो चलते हैं प्लेटफॉर्म की तरफ। तो भाई इस जगह ये लगा हुआ है, इस जगह ये लगा हुआ है टिकट काउंटर वगैरह। तो ट्रेन अभी 11 बजे पुरी से डिपार्ट होने वाली है। तो कुछ इस तरह का है पुरी रेलवे स्टेशन बाहर से, जैसा कि आप लोग देख सकते हो। दोस्तों, अगर आप लोग पुरी आते हो तो टिकट जरूर लेके आना, क्योंकि आप लोग जैसे ही एग्जिट करोगे आपको टीटी साहब मिल जाएंगे और यहाँ पे आपको कुछ शॉप वगैरह के स्टॉल वगैरह देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों, हमारी ट्रेन जो है 8 नंबर प्लेटफॉर्म पे लगी हुई है, तो चलते हैं अपनी ट्रेन की तरफ। तपस्विनी एक्सप्रेस पुरी हटिया, आपने लास्ट जर्नी आप लोगों ने देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और भाई लोग, ये रही अपनी ट्रेन पुरी आनंद विहार नीलांचल एक्सप्रेस, और जो आज की जर्नी होने वाली है स्लीपर कोच में होने वाली है। तो इसमें एक कोच जनरल का पीछे की साइड में लगा हुआ है, जैसा कि आप लोग देख सकते हो। और इसके बाद फर्स्ट एसी, सेकेंड एसी और थर्ड एसी के कोच लगे हुए हैं। दोस्तों, तो नीलांचल एक्सप्रेस में पेंट्री कार की भी सुविधा दी गई है, जैसा कि आप लोग देख सकते हो। और यहाँ से स्लीपर स्टार्ट होता है S1, और अपनी कोच है S4 और S5 में, क्योंकि हम दो जने हैं। S4 आते आते थक गए। तो भाई लोग, नीलांचल एक्सप्रेस में जो लोकोमोटिव लगा हुआ है गाजियाबाद का WAP-7 लोकोमोटिव के साथ ये चलती है। तो अपनी ट्रेन को अब डिपार्चर होने में ज़्यादा टाइम नहीं है, 10 मिनट का टाइम है। दोस्तों, एक जनरेटर कार के बाद एक जनरल कोच लगा हुआ है, उसके बाद 6 स्लीपर हैं इसमें। दोस्तों, फाइनली मैं अपने कोच में आ चुका हूं, तो आप लोग देख सकते हो स्लीपर कोच की साफ सफाई ठीक है। इसके बाद मैं आपको वॉशरूम दिखाता हूं। सो गाइस, अभी ट्रेन खुली भी नहीं है नीलांचल एक्सप्रेस, और पानी इसमें आ नहीं रहा वॉशरूम में, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। और वॉशरूम की साफ सफाई ठीक है, बस पानी नहीं आ रहा, और बेसिन भी साफ सफाई है, और मिरर देख सकते हैं चमक रहा है पूरा। सो दोस्तों, फाइनली हमारी ट्रेन का डिपार्चर सिग्नल हो चुका है, तो आप लोग डिपार्चर एंजॉय करो। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ। बाय बाय, जय जगन्नाथ। शायद से स्टंटिंग किया जा रहा हो। नहीं भैया, प्यार करेगी बहुत बहुत ज्यादा प्यार करेगी। लोग, फाइनली हमारी ट्रेन पहली स्टॉपेज सखी गोपाल रेलवे स्टेशन पे आके खड़ी हो गई। यहाँ पे 2 मिनट का स्टॉपेज है, 16 किलोमीटर का सफर तय कर चुकी है। और इस स्टेशन का स्टेशन कोड है SIL, खुर्दा रोड डिवीजन में आता है, ईस्ट कोस्ट रेलवे जोन के अंदर। सो यहाँ पे 4 प्लेटफॉर्म है, 4 ट्रैक हैं, छोटा सा रेलवे स्टेशन है। तो फाइनली दोस्तों, मैं मिलता हूँ 2 मिनट के स्टॉपेज के बाद। फाइनली हमारी ट्रेन सखी गोपाल रेलवे स्टेशन से डिपार्ट ले रही है, तो आप लोग व्यू एंजॉय करो। मैं मिलता हूँ अब आपसे नेक्स्ट स्टॉपेज खुर्दा रोड रेलवे स्टेशन पे। साक्षी गोपाल, अच्छा साक्षी गोपाल, व्यू एंजॉय करो भैया, बाय।
हिला दे यार, नहीं लेबू। ये लाइन किस साइड से आ रही है आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है खुर्दा रोड रेलवे स्टेशन पे, तो आप लोग अराइवल एंजॉय करो। भाई अपनी ट्रेन का अराइवल हो रहा है खुर्दा रोड स्टेशन, खुर्दा रोड पर। दोस्तों हमारी ट्रेन फाइनली सेकेंड स्टॉपेज खुर्दा रोड जंक्शन रेलवे स्टेशन पे आई है 20 मिनट की देरी से। खुर्दा रोड रेलवे स्टेशन एक जंक्शन है क्योंकि यहाँ से बहुत सारी लाइनें निकलती है। खुर्दा रोड पूरी लाइन, खुर्दा रोड विशाखापट्टनम सेक्शन, हावड़ा चेन्नई मेन लाइन, खुर्दा रोड बालगिरी लाइन जो कि अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। इस रेलवे स्टेशन का ओपनिंग किया गया था 1897 में। यहाँ पे 7 प्लेटफॉर्म है, ईस्ट कोस्ट रेलवे जोन में आता है और डिवीजन इसका खुर्दा रोड ही पड़ता है और स्टेशन कोड KUR। यहाँ पे नीलांचल एक्सप्रेस का 5 मिनट का स्टॉपेज है। ट्रेन यहाँ पे आधे घंटे की देरी से आई है। अरे यार, तो दोस्तों फाइनली हमारी ट्रेन खुर्दा रोड जंक्शन से डिपार्चर हो रही है, तो आप लोग डिपार्चर एंजॉय करो। ये देखिए कोणार्क एक्सप्रेस खड़ी है यार्ड में, भुवनेश्वर से चलती है छत्रपति शिवाजी टर्मिनल मुंबई के लिए कोणार्क। तो कभी करेंगे इस ट्रेन में भी यात्रा अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा तो कोणार्क एक्सप्रेस में। तो भाई लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो। भैया आधा ही भर रहे हैं यार, भैया बड़ा खाता है बराबर बड़ा खाता है। दोस्तों चाय जब इसने आधा कप दिया, जब बाद में दोस्तों बोलने पे इसने चाय वापस से पूरा गिलास भर दिया था, तो मैंने इसकी वीडियो नहीं बनाई क्योंकि यहाँ पे किन्नर वगैरह आ गई थी। दोस्तों यहाँ हमने पेंट्री से समोसे लिए 20 के 3 और समोसे ठीक ठाक से थे। दोस्तों समोसा खाते खाते हमारी ट्रेन भुवनेश्वर अराइवल हो रही है, तो आप लोग अराइवल एंजॉय करो। तो भाई लोग भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन का स्टेशन कोड है BBS और ईस्ट कोस्ट रेलवे जोन में आता है, डिवीजन इसका खुर्दा रोड ही पड़ता है। और यहाँ से जो लाइनें निकलती हावड़ा चेन्नई मेन लाइन, खड़गपुर पूरी लाइन, 6 प्लेटफॉर्म है, 8 ट्रैक्स हैं। सर बस डिपार्ट, तो बाय बाय भुवनेश्वर, फिर मिलेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे ट्रैक का काम चल रहा है, तो अब मैं मिलता हूँ अब आपसे सीधा नेक्स्ट स्टॉपेज पे, तब तक आप लोग व्यू एंजॉय करो। बाय। चुट संबलपुर पूरी एक्सप्रेस है। ओ दोस्त, ओ भैया, सुन नहीं रहा यार, गेट पे बैठ के फोन चला रहा। भैया मत चलाइए फोन, बैठ के फोन मत चलाइए। हम रेगुलर ट्रेवल करते हैं, बहुत लोगों का फोन छीना है बैठ, जो गेट पे बैठ के चलाता है वही हम आपको वहां से देखो उधर से आवाज दे। तो भाई यहाँ पे अभी फाटक खुली हुई है क्योंकि हमारी ट्रेन को लूप लाइन पे लगा दिया गया और ट्रेन को पास कराया गया। दोस्तों आगे ट्रैक मेंटेनेंस का कार्य चल रहा है, जिस वजह से हमारी ट्रेन को मैनचेस्टर में खड़ी कर दिया गया है। यहाँ पे करीबन आधे घंटे से ट्रेन हमारी खड़ी थी,
जो इसका नेक्स्ट स्टॉपेज है कटक जंक्शन, तो मिलते हैं, तब तक आप लोग व्यू एंजॉय करो। दोस्तों फाइनली हमारी ट्रेन कटक जंक्शन पे आके खड़ी हो रही है। यहाँ पे इस ट्रेन का टाइम था 12:50 पे, बट ट्रेन यहाँ पे अपने तय समय से 1 घंटे 4 मिनट की देरी से आई है। यहाँ पे 5 मिनट का स्टॉपेज है और इस स्टेशन का स्टेशन कोड है CTC, ईस्ट कोस्ट रेलवे जोन में आता है, डिवीजन इसका खुर्दा रोड ही पड़ता है। काफ़ी सारे लोग कटक जंक्शन से भी ट्रेन में बोर्ड किए हैं और लोकल लोग भी इस ट्रेन में बोर्ड किए हैं, क्योंकि काफ़ी सारी ट्रेनें कैंसिल चल रही हैं इस रूट पे। यहाँ पे 5 प्लेटफॉर्म है और हमारी गाड़ी प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे आई है। इस स्टेशन को ओपन किया गया था 1896 में। सो 5 मिनट के स्टॉपेज के बाद फाइनली हमारी ट्रेन का डिपार्चर सिग्नल हो चुका है, तो आप लोग डिपार्चर इंजॉय करो। मैं मिलता हूँ अब आपसे नेक्स्ट स्टॉपेज जजपुर केओंझार रेलवे स्टेशन पे, तब तक आप लोग व्यू इंजॉय करो। दोस्तों हमारी ट्रेन जजपुर केओंझार रोड रेलवे स्टेशन पे 1 घंटे 20 मिनट की देरी से अराइवल हो रही है। यहाँ पे इस ट्रेन का 2 मिनट का स्टॉपेज है और जो इसका स्टेशन कोड है JJKR, खुर्दा रोड डिवीजन में आता है, ईस्ट कोस्ट रेलवे जोन के अंदर छोटा सा रेलवे स्टेशन है। सो दोस्तों ज़्यादा टाइम का यहाँ पे स्टॉपेज नहीं है, तो आप लोग यहाँ से डिपार्चर एंजॉय करो। मैं मिलता हूँ अब आपसे नेक्स्ट स्टॉपेज। दोस्तों आगे ट्रैक मेंटेनेंस की कार की वजह से हमारी ट्रेन को छोटे से रेलवे स्टेशन बैतरानी रोड पे खड़ी कर दी गई है। यहाँ पे करीबन 20 मिनट से ऊपर हो गए हैं और हमारी ट्रेन यहीं पे खड़ी है। सो फाइनली हमारी ट्रेन का सिग्नल हो चुका है, तो आप लोग व्यू एंजॉय करो। मैं मिलता हूँ आपसे सीधा भद्रक रेलवे स्टेशन पे। अरे भैया बैठो मत, बैठो मत, बैठो मत, चलो।
दोस्तों फाइनली हमारी ट्रेन भद्रक रेलवे स्टेशन पे आके खड़ी हो गई है। यहाँ पे ट्रेन 1.5 घंटे की देरी से आई है। इसका स्टेशन कोड है BHC। खुर्दा रोड डिवीजन के अंदर आता है ये रेलवे स्टेशन और इसे ऑपरेट करती है ईस्ट कोस्ट रेलवे। यहाँ पे भी 2 मिनट का स्टॉपेज है। सो दोस्तों फाइनली हमारी ट्रेन का यहाँ से डिपार्चर हो चुका है, तो आप लोग डिपार्चर एंजॉय करो। मैं मिलता हूँ अब आपसे नेक्स्ट स्टॉपेज सोरो रेलवे स्टेशन पे। कितने का भैया? असल में ट्रेन मैन बोलो भाई, कितने का है? अरे बता दो यार, कुछ हो जाएगा? नहीं बताओगे तो स्टार्टिंग में ही लगाऊंगा। छोड़ियो मत, ठीक है? अरे बता दो यार, बस यही तो चाहिए। मेरे वहाँ बेचने आते हैं यार, मैं तो पूछ रहा, तो क्या देखा हम ये थोड़ी ना कर रहे हैं, ऐसे कैसे आदेश लग जाए। अखिलेश जाओ बाहर जाओ, नहीं बतियाई लो तुम पहले। नलका तो है। और ये रेलवे स्टेशन साउथ ईस्टर्न रेलवे के अंदर, जल्दी जा। दोस्तों छोटा सा रेलवे स्टेशन है, यहाँ पे 2 मिनट का ये स्टॉपेज है। सोरो रेलवे स्टेशन के जस्ट बाद दोस्तों बहानगा बाजार रेलवे स्टेशन है, जहाँ पे कोरोमंडल एक्सप्रेस एक्सीडेंट की थी। दोस्तों फाइनली हमारी ट्रेन बालासोर रेलवे स्टेशन पे आके खड़ी हो गई है। इस स्टेशन का स्टेशन कोड है BLS और साउथ इंच। इसे ओपन किया गया था 1896 ईस्वी में। और जो इसका नेक्स्ट स्टॉपेज है जलेश्वर रेलवे स्टेशन, तो मिलते हैं जलेश्वर रेलवे स्टेशन पे। तब तक आप लोग बालासोर रेलवे स्टेशन से डिपार्चर इंजॉय करो। चोरी किया तो दिन फाइल हटा दिया, फाइल चला हुआ सर।
दोस्तों फाइनली हमारी ट्रेन जालेश्वर रेलवे स्टेशन 1 घंटे 15 मिनट की देरी से अराइवल हो रही है। यहाँ पे इस ट्रेन का 2 मिनट का स्टॉपेज है। स्टेशन कोड JER और साउथ ईस्टर्न रेलवे जोन के अंदर आता है, खड़गपुर डिवीजन में जालेश्वर रेलवे स्टेशन। दोस्तों इस रूट पे ट्रैक मेंटेनेंस की वजह से ट्रेनें लेट चल रही हैं और काफ़ी सारी ट्रेनें हावड़ा से पुरी के बीच में कैंसिल हैं ट्रैक मेंटेनेंस की वजह से। सो फाइनली हमारी ट्रेन जालेश्वर रेलवे स्टेशन से डिपार्चर ले रही है और जो नेक्स्ट स्टॉपेज है हिजली रेलवे स्टेशन। तो मिलते हैं हिजली रेलवे स्टेशन पे, जहाँ पे मेरा खाना भी आने वाला है। गाइस फाइनली हमारी ट्रेन हिजली रेलवे स्टेशन पर अराइवल हो रही है और यहाँ से खड़गपुर काफ़ी नज़दीक में पड़ता है। तो आप लोग अराइवल एंजॉय करो, मैं मिलता हूँ आपसे रेलवे स्टेशन पर। हिजली, तो दोस्तों स्वागत है आपका खड़गपुर के हिजली रेलवे स्टेशन पे। कहाँ गई यार हमारी छोरी। ज्योति आजा। दोस्तों ट्रेन हमारी हिजली रेलवे स्टेशन 1 घंटे 5 मिनट की देरी से आई है। छोटा सा रेलवे स्टेशन है, यहाँ पे 2 प्लेटफॉर्म है, 6 ट्रैक्स हैं और यहाँ से जो लाइन निकलती हैं हावड़ा चेन्नई मेल लाइन, खड़गपुर पुरी मेल लाइन, ये 2 लाइनें यहाँ से निकलती हैं और ये रेलवे स्टेशन खड़गपुर में ही आता है हिजली रेलवे स्टेशन। भाग लो ना तो चलो 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 ट्रेन खुल गई ना भाई, ठीक है ट्रेन खुल गई, बाय बाय। ज्ञान दे दे यार, ज्ञान ना दियो चाचा, ज्ञान ही चाहिए। बाय बाय हिजली। दोस्तों हिजली रेलवे स्टेशन में जैसा कि मेरी फ्रेंड खाना लेके आई थी, तो देख सकते हैं आप लोग क्या क्या खाना लेके आई थी। पराठा, आलू की भुजिया, भिंडी की भुजिया और काफ़ी सारे स्वीट्स और चिप्स, इंडियन रेलवे का बैच, नमकीन वगैरह लेके आई थी। हालांकि दोस्तों इस ट्रेन में पेंट्री कार भी है, बट हम लोगों ने पेंट्री कार से ऑर्डर करने का डिसीजन नहीं लिया क्योंकि ऑलरेडी हम लोग 10 दिनों से बाहर थे। खाना बहुत टेस्टी था और खाना खा के जैसे ही मैं हाथ धोने गया तो ये देख लो दोस्तों, और दिन में रिव्यू भी लेके गया है मुझसे कि पानी आ रहा है कि नहीं आ रहा, और फिर से अभी पानी नहीं आ रहा है। मैंने कंप्लेन किया बट क्या है क्या है? तो कैमरा ही ऑन करता रहेगा। फाइनली दोस्तों हमारी ट्रेन टाटा नगर जंक्शन अराइवल हो रही है, तो आप लोग अराइवल एंजॉय करो। और यहाँ पे बारिश काफी ज्यादा हो रही है जैसा कि आप लोग देख सकते हो। टाटा नगर से पीछे घाटशिला रेलवे स्टेशन पे भी इस ट्रेन का स्टॉपेज है, बट मैंने उसे कवर नहीं किया
बट मैं दोस्तों अगर बात करें टाटा नगर रेलवे स्टेशन की तो यहाँ पे 6 प्लेटफॉर्म है, 8 ट्रैक्स है और यहाँ पे इस ट्रेन का स्टॉपेज 10 मिनट का है। इस रेलवे स्टेशन को ऑपरेट करती है साउथ ईस्टर्न रेलवे। टाटा नगर जंक्शन का स्टेशन कोड है टाटा, चक्रधरपुर रेलवे जोन में आता है। और जैसा कि दोस्तों टाटा नगर जंक्शन है तो यहाँ से जो लाइनें निकलती हैं, टाटा नगर बिलासपुर सेक्शन, हावड़ा नागपुर मुंबई लाइन, आसनसोल टाटा नगर खड़गपुर लाइन, टाटा नगर बादाम पहाड़ ब्रांच लाइन, ये 3-4 लाइनें यहाँ से निकलती हैं। बताइए कुछ नहीं बताइए। फाइनली दोस्तों 10 मिनट की स्टॉपेज के बाद हमारी ट्रेन नीलांचल एक्सप्रेस टाटा नगर जंक्शन से डिपार्चर ले रही है। इसके बाद दोस्तों रात काफी ज्यादा हो गई है तो रेस्ट करने वाले हैं। अब मैं मिलूंगा अब आपसे सीधा सुबह मॉर्निंग के टाइम गया जंक्शन में। गया जंक्शन आ चुके हैं, कृपया करके इस गाड़ी में ना चलें। फाइनली दोस्तों 1 घंटे 15 मिनट की देरी से हमारी ट्रेन गया जंक्शन अराइवल हो रही है और मैं इस ट्रेन को यहीं पे छोड़ने वाला हूं। हमारी जर्नी गया जंक्शन तक ही होने वाली है क्योंकि मैं यहां से पटना जंक्शन जाने वाला हूं। बात करें ट्रेन की पंक्चुअलिटी की तो दोस्तों ट्रैक मेंटेनेंस की वजह से ट्रेन लेट हो रही है 1 से 1.5 घंटे के करीब। सो आप दिल्ली भी जाते हैं तो इससे आप 1 घंटे की देरी से ही आनंद विहार पहुंचेंगे। सो अभी ये फिलहाल 1-1.5 घंटे की देरी से ही डेली चल रही है। बाकी दोस्तों अगर आप इस ट्रेन में ट्रेवल करते हैं तो घर से खाना लेके चले, पेंट्री कार से खाना ना लें क्योंकि खाना दोस्तों 180 का दिया जा रहा है, वो भी ऊपर से ऑफर वगैरह के नाम पे 160 रुपये वसूले जा रहे हैं 130 की थाली, मतलब कि 30 रुपये एक्स्ट्रा वसूला जा रहा है। मैंने इस पे सवाल किया था बट मैंने खाना ऑर्डर नहीं किया था इसलिए मैंने कुछ किया नहीं। बट फिर कभी नेक्स्ट टाइम अगर इस ट्रेन में जर्नी करेंगे तो फूड रिव्यू शेयर करेंगे। तो दोस्तों नीलांचल एक्सप्रेस को यहीं पर कहते हैं अलविदा, मिलेंगे फिर किसी नई ट्रेन के साथ नई ट्रेन जर्नी पे। तो चलिए आपको गया जंक्शन बाहर से कैसा दिखता है आपको दिखाते हैं, तो वीडियो में बने रहना। और ट्रेन हमारी नीलांचल एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे आई है तो चलते हैं बाहर की तरफ। तो कुछ इस तरह का है दोस्तों बाहर से गया जंक्शन। सो मिलते हैं अनदर ट्रेन जर्नी में, तब तक के लिए टेक केयर। और जर्नी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग ट्रेन ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।